हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज से हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने फर्स्ट सब फर्स्ट सब्जेक्ट लिया है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार एग्जाम में आने वाले हैं और ये क्वेश्चन लॉन्ग है एंड शॉर्ट भी है मतलब ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है पाद रोग की परिभाषा एवं सामाजिक आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड द सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिसीज़ क्वेश्चन नंबर टू शुद्ध दुध उत्पादन का वर्णन कीजिए डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ प्योर मिल्क क्वेश्चन नंबर थ्री है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं प्रदूषण के प्रकार कारण एवं नियंत्रण को समझाइए वॉट डू यू मीन बाई पॉल्यूशन डिस्क्राइब द टाइप्स एंड द कॉज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड वायु प्रदूषण का विस्तृत वर्णन कीजिए डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एयर पॉल्यूशन अथवा जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव व रोकथाम के उपाय सुझाइए इलेट्रेट द कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फोर भारतीय कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर फाइव है कोशिका संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए डिस्क्राइब सेल स्ट्रक्चर विथ फिगर अथवा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए स्केच द लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल क्वेश्चन नंबर सिक्स है पवन ऊर्जा क्या है इसका सिद्धांत तथा लाभ बताइए वॉट इज विंड एनर्जी डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल एंड बेनिफिट्स एंड वायु शक्ति क्या है वॉट इज विंड पावर क्वेश्चन नंबर सेवन है दूध का पास्चुराइजेशन परिभाषा तरीके परीक्षण और उपयोग बताइए डिस्क्राइब द पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क डेफिनेशन मैथड टेस्ट एंड यूजेस क्वेश्चन नंबर एट है दूध किसे कहते हैं मानव स्वास्थ्य में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए वॉट डू यू मीन बाय मिल्क डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी इन ह्यूमन हेल्थ अथवा दूध की परिभाषा एवं मूल्यवर्धन पर अपने विचार दीजिए गिव योर कमेंट ऑन डेफिनेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ मिल्क फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं अथवा करके इसमें आपको सेम ही लिखना होता है दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से एक ही क्वेश्चन को पूछते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन साफ तथा स्वच्छ दूध से क्या अभिप्राय है वॉट डू यू मीन बाई नीट एंड क्लीन मिल्क क्वेश्चन नंबर टेन स्वच्छ दूध की परिभाष विशेषताएं लिखिए राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीट मिल्क पादप रोग एवं पादप रोग तथा इनके कारणों का उल्लेख कीजिए राइट अबाउट प्लांट डिसीज एंड देयर कॉज अथवा जीवाणु जनित रोगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए एक्सप्लेन बैक्टीरियल डिसीज विथ एग्जाम्पल अथवा कवकों द्वारा उत्पन्न पादप रोगों के विषय में लिखिए राइट अबाउट प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय फंगाई क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डीएनए को समझाइए एक्सप्लेन डीएनए क्वेश्चन नंबर थर्टीन है परागढ़ क्या है परागढ़ के प्रकार अथवा प्रत्येक के लाभ हानियों का वर्णन कीजिए वॉट इज पॉलीनेशन एक्सप्लेन द टाइप्स एक्सप्लेन द टाइप्स मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अथवा स्वयं परागढ़ को समझाइए एक्सप्लेन सेल्फ पॉलिनेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है पादप रोग विज्ञान का परिचय एवं उद्देश्य बताइए एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी थैंक यू सो मच और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू